यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और जुलाना के अग्रवाल धर्मशाला में जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला जुलाना पहुंचे, जहां काफी मात्रा में लोगों ने दुष्यंत चौटाला का स्वागत किया। वहीं दुष्यंत के उपस्थिति में काफी संख्या में लोगों ने जसपा पार्टी का दामन थामा और पूरी मेहनत और लगन से पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाने की बात कही है। इस मौके पर इनेलो के हल्का प्रधान प्रताप लाठर ने इनेलो को छोड़कर जननायक जनता पार्टी में अपना विश्वास जताकर शामिल होने का कार्य किया है। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जननायक जनता पार्टी के कड़ी एक के बाद एक जुड़ती जा रही है और पार्टी चट्टान की तरह मजबूत हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि इनसो प्रधान प्रदीप देशवाल पर जानलेवा हमला होना कांग्रेस की सोची समझी चाल है। और लोग तो हमें कहते थे कि ये 200-300 टिंगरों का टोल है, मगर आज ये बदलाव दर्शाता है कि हरियाणा का परिवर्तन जननायक जनता पार्टी है। और जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल हो, बहुजन समाज पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनसे लोग छोड़कर जेजेपी में आ रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन की लहर है। और वो लहर अपना पहला मील का पत्थर जीत का बाय इलेक्शन के तौर पर साबित करने का काम है। इंतज़ार करिए, और कमेटी 5 सदस्य बनाई गई है, वो अपना सर्वे कर रही है और पूरे जीन हल्के के कार्यकर्ताओं से संपर्क साध कर विचार विमर्श कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। और आपको विश्वास दिला देते हैं कि ऐसा कैंडिडेट उतारा जाएगा जो जींद के अंदर परिवर्तन की बात करेगा, जींद के सुधार की बात करेगा और जींद को एक ऐसी ताकत बनाने का काम करेगा कि जो ताकत 1985-86-87 में हमने देखी थी, जो 87 के अंदर एक परिवर्तन लेकर आई है, उसको दर्शाने का काम करता है। वो जो लोग थे वो किसी छात्र संगठन से जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी के, ये स्पष्ट साबित कर देता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो विंसो का प्रदेश अध्यक्ष था प्रदीप, वो शायद भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए खतरा साबित हो रहा था और शायद उसको इसी तरीके से डराने का, पीटने का और गोली तक चलाने का जो प्रयास किया गया है वो ये दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर आज घबराहट है और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी को दोबारा इस प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर लाना चाहती है।